आज हम की चेन बनाएंगे। ये एक खूबसूरत की चेन है जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं की चेन कैसे बनानी है। ये हमने एक मैजिक लूप बना लेना है इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट कर देना है ये इस तरीके से। इस ये जो धागा हमने ये इसके ऊपर ही हमने सारा बनाते जाना है। यहाँ पर हम 12 चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमने 12 चेन कर लिए। अब हम इस पे बनाना शुरू करेंगे। तो पहला हम सिंगल स्टिच लेंगे, ये पहला एक छोड़ देंगे दूसरे में ये इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ये एक और ये 2। इसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर उसके बाद हम 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे जैसे इधर पीछे किए थे। ये तीनों में से हमने एक बार ही निकाल लेना है, बाल लेना है और इस तरीके से तीनों में से निकाल लेना है। फिर लास्ट में हम एक सिंगल स्टिच लेंगे और अब इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये अब हम यहाँ इस लाइन के ऊपर बैक स्टिच से काम करेंगे, ये इस तरीके से, ये यहाँ से लेंगे, ये इस तरीके से खींच के ऊपर ले आएंगे और फिर बना लेंगे। इसी तरह बैक बैक करते जाएंगे, ये स्टिचेस सारे बैक से बनेंगे। ये सिंगल स्टिच है लेकिन सिर्फ हमने इसको रिवर्स करना है, बैक बैक पे लेकर आना है। ये देखें इस तरीके से, यहाँ से डालते हैं फिर खींच के ऊपर ले आएंगे और बना लेंगे। ये यहाँ तक हम इसी तरह करेंगे, लास्ट स्टिच तक हमने इसको कर लेना। ये अब नेक्स्ट हम जिस तरह हमने ये वाली पाली बनाई थी उसी तरह ऊपर पाली बनानी है, लेकिन किस तरह बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो रो बन गई है ना, ये नज़र आ रही है ऊपर, इसकी पिछली साइड से हम बनाते जाएंगे। ये पहला हमने सिंगल स्टिच लेना है यहाँ बैक से, फिर दूसरा हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है, फिर हमने दूसरा हाफ डबल क्रोशिया लेना है। ये जी पहला हमने सिंगल स्टिच लिया है, नेक्स्ट 2 डबल हाफ डबल क्रोशिया किया है, अब हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे,
बैक से ये नीचे से करके लेंगे इस तरीके से। ये हमने अब आगे 5 डबल क्रोशिया लेने हैं बैक से पिछली तरफ से, 2, 3, 4 और 5। फिर नेक्स्ट 2 जो हैं हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। ये बाल लिया है नीचे से करके उसको लेंगे और तीनों में से निकाल लेंगे, ठीक है जी। फिर बाल लेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने लेने हैं, तो ये इस तरीके से हम लेंगे ये। और नेक्स्ट सिंगल स्टिच, ये, और फिर हमने यहाँ पे इसको जोड़ देना। ये हमारी देखें जी एक रो मुकम्मल हो गई है, ये इस तरीके से एक रो मुकम्मल हो गई है। अब फिर उसी तरह हम जैसे पहले बैक से रिवर्स करके हमने बनाया था, उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक वही तरीका जिस तरीके से हमने यहाँ से रिवर्स बनाया था, यहाँ से भी हम इसी तरह ही रिवर्स बनाएंगे। चैन लेंगे, ये पहला छोड़ देंगे, अगले से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। चलो ये जी हमारी दूसरी रो भी मुकम्मल हो गई है ये। अब फिर हम इसी तरह उसके नीचे से करके लेना शुरू करेंगे, पहला सिंगल स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। ये इसी तरीके से हम रोज़ बनाते चले जाएंगे। ये हमने टोटल इस तरह की 7 रो बनानी है, 7 रो। तो चले आए हम 7 रो मुकम्मल करके लाते हैं। ये जी हमने 7 ये पालियां मुकम्मल कर ली हैं, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जी 7 पालियां मुकम्मल हो गई हैं। अब ये जो धागा हमने छोड़ा हुआ था, जो मैजिक सर्कल बनाया था, उसको हम खींच लेंगे, ये यहाँ पे खींच देंगे और इस धागे को हम यहाँ पे फिक्स करके कट आउट कर देंगे। ये बस एक बार से करेंगे और एक दो बार पीछे निकालेंगे और बस ये फालतू धागा हम काट देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये हमारी जो शेप आप बनाना चाह रहे थे ये बन गई है। अब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ना है, ये खुला है मुंह इसका, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो अब हमने क्या करना है, एक चैन इधर से एक चैन इधर से लेंगे और बैक पे बुनाई करेंगे ये इस तरीके से। यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये एक चैन यहाँ से हम लेंगे और एक चैन हम यहाँ से लेंगे, इस तरीके से हम बना के इसको मुकम्मल करते हैं। ये एक चैन यहाँ से लिया, एक यहाँ से लेंगे, फिर इधर से बल डालेंगे और यहाँ से घुमा के निकाल लेंगे ये इस तरीके से। ये हमने यहाँ तक बैक पे दोनों को एक चैन इधर से बना के यहाँ तक मुकम्मल करके ऊपर तक ले आए हैं। अब ये ऊपर से आपको इसका मुंह नज़र आ रहा है, अब हम इसमें कोई भी चीज़ भर सकते हैं, इसमें रुई भी भर सकते हैं और हम इसमें इसी के साथ की
वूल भी भर सकते हैं। मैं इसमें वूल ही भरूंगी क्योंकि अगर रुई डालें तो वो वाइट वाइट अंदर से बाजुकात नज़र भी आती है, तो जब उसी रंग की हम डालेंगे तो वो नज़र नहीं आएगी और अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से हम इसे फिल कर देंगे। ये आराम से आप एक साइड से डालते जाएं, फिल कर दें आप इसको। ये सारा हमने अंदर कर दिया इसको। ये देखें इसको एक शेप आ गई है इसकी। ये सारा हमने डाल दिया। अब हम ऊपर से इसको किस तरीके से बंद करते हैं, ये इस तरीके से हम चैन लेते जाएंगे, एक खाने इसको छोड़ देंगे अगले में से। ये इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे अगले में से, एक को छोड़ के थोड़ा कस के रखना है। ये इसको छोड़ देंगे अगले में से जाके हम ये इस तरीके से क्लोज करते जाएंगे इसको। ये पहला छोड़ देंगे, अगले में जाके करेंगे। ये तकरीबन बंद हो गया है। ये इसका मुंह बंद हो गया। अब हम अपनी मर्जी से चैन इसके आगे ले सकते हैं। आपने की चैन कितना लंबा करना है, तो चलें जी हम लोग 12 कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैन कर लिए हैं। और ये यहीं पे हम जोड़ देंगे और ये धागा फालतू साथ से काट देंगे। ये धागा अभी इधर अंदर कर देंगे इसको भी। ये इस तरीके से इसको अंदर ही कर देंगे। ये जी हमारा किचन तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे इसका ऊपर वाला पोर्शन, ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है। अब हम ये बनाते हैं। चलें जी, ये हम यहाँ पे एक मैजिक सर्कल बनाते हैं छोटा सा, और यहाँ पे हम दो चैन करते हैं। अब यहाँ इस मैजिक सर्कल के अंदर हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, ये इसी तरीके से हमने 13 बनानी है। ये 13 बन गए हैं। अब हमने ये धागा खींच के इसको क्लोज कर देना है ये, और यहाँ से हमने इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए यहाँ पे जोड़ देना है। ये जोड़ दिए, ये फालतू धागा हम नीचे बंद करके कट कर देंगे। और अब यहाँ पर हमने सात चैन करने हैं। यहाँ पे अब हम सात चैन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आगे हमने इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करना है, ठीक है जी। ये पहला छोड़ देंगे, तो ये हम जहाँ पे अब 6 डबल क्रोशिया ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 बन गए। अब हमने इसको यहाँ पे ये छोड़ देना है और दूसरे में हमने इसको अटैच कर देना। फिर हमने जिस तरह पहली दफ़ा 7 चैन लिए थे, फिर यहाँ पे भी 7 चैन लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जिस तरीके से हमने ये पहली एक पत्ती बनाई है, इसी तरीके से हम इसकी 7 पत्तियाँ बना लेंगे।
तो चलिए हम बनाते हैं। ये हमने देखें जी सात इसकी पत्तियां बना ली हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया है। अब हमने सुई के साथ इसको इसके साथ अटैच कर देना है। अब हम किस तरह अटैच करते हैं देखें जी, ये जो हमने इसके ऊपर हुक बनाई थी और ये जो इसके दरमियान में सुराख है, यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे और उस हुक को यहाँ से निकाल लेंगे, ये इस तरीके से, ये देखें जी। अब हम सुई के साथ इसको साथ अटैच कर देंगे, ये इस तरीके से। ये हमने लंबे लंबे टांके लेने हैं इस तरीके से। आप चाहें तो ऊपर से पत्तियों को भी साथ अटैच कर सकते हैं, मुझे इसी तरह खिली खिली सी अच्छी लगती हूँ, इसलिए मैंने पत्तियों को नहीं अटैच कर ली बल्कि सिर्फ नीचे से अटैच कर रही हूँ। वो भी हमने लंबे लंबे टांके लेके ये इस तरीके से अटैच कर देना है, ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मजबूत करेंगे और धागा हम नीचे निकाल के कट कर देंगे। तो ये हमारा की चैन रेडी हो गया, ये देखें जी हमारा की चैन बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।